CSIR NET मैथमेटिकल साइंस 2080 दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ़ फाई इज़ द सोल्यूशन ऑफ फाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to x 3 प्लस 6 एक्स माइनस टी माइनस 4 एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर फाई टी डी टी, देन फाई लाख 2 इज इक्वल टू। वन ऑप्शन में है 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8। दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज integral equation of convolution type, so we first define the integral equation of convolution type. Definition: an integral equation phi x equal to f x plus integration 0 to x kx minus t pi t dt is called an integral equation of convolution type, where kx minus t is a function of a single variable x minus t. Using definition of convolution, we may rewrite it as phi x equal to fx plus kx function of x star phi x. In the given integral equation, fx is equal to 1 minus 2x minus 4x square, lambda is equal to 1, kx minus t is equal to 3 plus 6x minus t minus 4x minus t का होल स्क्वायर। सो फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स के स्थान पे 1 माइनस 2x माइनस 4x का होल स्क्वायर प्लस के एक्स टी के स्थान पे हमारा इससे 3 6x माइनस 4 यहाँ से एक्स स्क्वायर, फाई एक्स के स्थान पे 5x। Applying Laplace transformation to both sides, we get L by x equal to L 1 minus 2x minus 4x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x माइनस 4x स्क्वायर इंटू L फाई एक्स। L फाई एक्स के स्थान पे हम फाई एस पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा L1 माइनस 2 4 एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 कामन लेने पर L1 + 6 L x - 4 L x² मुझे ब्रैकेट ये हो जाएगा 5s। तो 5s इक्वल टू L1 के स्थान पर हो जाएगा हमारा गामा 1/s²। तो Lx के स्थान में हो जाएगा गामा 2/s²। 4Lx² के स्थान गामा 4/3/s³ प्लस मेरी ब्रैकेट 3L1 के स्थान पर हो जाएगा गामा 1/s। 6 इसके स्थान पर हो जाएगा 1/2/s² माइनस 4 इसके स्थान पर हो जाएगा गामा 3/s³। 5s इक्वल टू ये हो जाएगा 1/s, यहाँ से हो जाएगा 2s², यहाँ से 4 और इसका मान हो जाएगा 2s³ और यहाँ से इसका मान 1 प्लस 3s प्लस 6x², यहाँ से 4 × 2/s³। 5s इक्वल टू s³ ऐसे मेरे पर जाएगा s² - 2s - 8 प्लस यहाँ से s³ एलसीएम लेने पर हमारा आ जाएगा 3s² प्लस 6s - 8। -3s² प्लस 6s - 8 अपॉन s³। 5s इक्वल टू हो जाएगा s² - 2s - 8 अपॉन s³। s कामन लेने पर बचेगा 1 - 3s² प्लस 6s - 8 अपॉन s³ इक्वल टू s² - 2s - 8 अपॉन s³ इक्वल टू हो जाएगा 5s s³ 3s² - 6s प्लस 8 अपॉन s³ इक्वल टू s² - 2s - 8 s³ कैंसिल। तो 5s इक्वल टू हो जाएगा s² - 2s - 8 अपॉन यहाँ से s³ - 3s² - 6s प्लस 8 और वी कैन राइट s² - 2s - 8 यहाँ से s - 1 × s² - 2s - 8 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5s इक्वल टू 1/s - 1। दिस इज इक्वल टू 5x s - 1। तो 5x इक्वल टू L 1 upon s minus 1। this gives e power x 5x। इसलिए 5 log 2 इक्वल टू e power log 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 यानी 5 log 2 इक्वल टू 2। हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट।